Hello, guys. Money! Guys, like, comment, जरूर करें शेयर को. मैं तो फोन कर रहा हूँ बाबा. क्या आता है ये? फोन बैठो फोन पाँच हो गए. जो इमो करे. पिना ले रहे. आज नागौर के स्टेडियम में जाने वाले हैं आप, और वहाँ पे हम अच्छा अच्छा प्रोग्राम दिखाने वाले हैं आपको, और वहाँ पे बहुत सारे ज्यादा तादाद में लोग आने वाले हैं नागौर के स्टेडियम में. जय हिंद. हम यहाँ पे बैठे हैं, बहुत शोर हो रहा है, तो आपको वीडियो बताएंगे. पूरा रिपब्लिक का डे हम जा रहे हैं वहाँ पे, नागौर के क्या बोलते हैं उसको, स्टेडियम. हाँ, स्टेडियम जा रहे हैं हम. मेरे को नाम नहीं आ रहा, थोड़ा दोरा नाम आ रहा है. जाएंगे हम वीडियो देखा, बहुत एंजॉय करने वाला, बहुत ज्यादा शोर हो रहा है यहाँ पे. ठीक है ना, हम जा रहे हैं वीडियो पूरा देखा. देखो नाम क्या वायरा वाला, तेरा नाम क्या है? विक्रम. इसमें बोलो, इसमें विक्रम. अच्छा, विक्रम नाम है. और क्या नाम था? अफजल. अफजल नाम है. कैमरा देख के बोल. तो आप कहाँ से बोलते हैं? अफजल. हाँ, अफजल. इसका नाम अफजल है. तो हम जा रहे हैं वहाँ पे रिपब्लिक डे मनाने. मिलता हूँ मैं आपको वहाँ पे. मिलता हूँ. नाम बताइए, क्या नाम है? जुबैर. पूरा नाम? मोहम्मद जुबैर. नाम? करो. मोहम्मद हसन. मोहम्मद हसन. तो बोल दे, क्या नाम है? जतीन. जतीन नाम है. करो. क्या नाम? पूरा बोल. पूरा सेन. लव यू. ये बस है हमारी, और हम स्कूल के दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं. स्कूल के दोस्तों के साथ जा रहे हैं, और आपको बहुत अच्छा नजारा दिखाने वाले हैं. आपको परेड सब डांस प्रोग्राम दिखाने वाले हैं, और आज आजादी का दिवस है, गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं. साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले. तो हम स्टेडियम पहुंच चुके हैं, स्टेडियम फाइनली. तो हम अंदर जाने वाले हैं. ठीक है, तो कर गए भीलने मंदिर का रिपब्लिक डे के. अबे साले, बस से नीचे उतर रहे. आ गए हमारा स्टेडियम. अगले लोग आपको चले. एक काम कर, 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग की वजह से. तो अभी लाइन में चल रहे हैं हम. देखो यहाँ पे लाइन में चल रहे हैं, लाइन बना रहे हैं हमारे सर. हमारा इस दिन देश आजाद हुआ था. नहीं नहीं, इस दिन चलू हुआ था. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है. हमको पता ही नहीं गोना कुल की बात की. ये आपको ये आज देखो, सूरज निकलने वाला है. ये निकला है, जूम करके दिखाएंगे आपको. ये देखो, बहुत ही भारी. Oh,
हेलो दोस्तों, तो हमको बहुत अच्छी परेड लगी, आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी भाई, बहुत अच्छी लगी। देखो सबको बहुत अच्छी, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं आप देख सकते हो। और जब ये कुछ बोलना चाहते हैं बोलो भाई साहब। हम बोलना चाहते हैं आपको कैसी लगी परेड, और हमको बहुत अच्छी लगी है। हम आपको आज स्टेडियम का नज़ारा दिखाया, तो आप कैसा लगा आपको बताइए कमेंट में। हाँ कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति आपके सामने आर्टिस्टिक योगा का प्रदर्शन होगा, उसके बाद लेजर प्रदर्शन होगा, तैयार रहें। अब हम वापिस चल रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे डांस हो रहा है बहुत खतरनाक, ठीक है। अब हम वापिस चलते हैं स्कूल, मैं आपको बस में दिखाऊंगा पूरा, ठीक है। यहाँ वापिस के बस में आ गए हैं। ए औकात मेरे ले रहे, मर जा का यहीं पे। इस चैनल को ब्लॉग में डाल दे रहे हैं, उठा के बाल्टी मारेगा साला, पानी नहीं मांगेगा। फॉलो मत करे, शेयर मत करे, लाइक मत करे, ये मेरा कहना है। लाइक करे तो सोच समझ करे, फॉलो करे तो डाल के आवाज मत कर। ओए चली ना बात कर, मेरे को जानता नहीं है ये। सब बोलते हैं यहाँ लड़के पढ़ने आते हैं, ये साला गेम खेलना है, ये पढ़ने नहीं आते, ये गेम खेलने नहीं आते। हाँ ये देखो वन बी वन कर लो, करो प्लेयर है भाई साहब। जली ना तेरी भी जली ना। गोपाल भाई साहब है गेम नंबर है यहाँ पर, एक बार फिर से लाइक कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो। ये मेरा दोस्त है जिगरी जिगरी। प्यारी ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ये जो दुनिया है ये बन ही कांटों का, तो फूलवारी है ओ मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतिया, मेरे निंदियाँ पे अपनी निंदियाँ पे तूने वारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तो कितनी अच्छी है, तो कितनी बोली है प्यारी प्यारी।
इसके लिए तो हर पल हाजिर जाने मेरी, भारत है पहचान मेरी और तिरंगा शान मेरी, भारत है पहचान मेरी और तिरंगा शान मेरी। सबसे पहले देश की रक्षा हमको यही सिखाया है, देश के खातिर पुरखों ने अपना खून बहाया है, अपना खून बहाया है। भारतवर्ष है आन बानी और शान मेरी, भारत है पहचान मेरी और तिरंगा शान मेरी, भारत है पहचान मेरी और तिरंगा शान मेरी। जय हिंद जय भारत। छन से जो टूटे हुए सपना, अभी मजा आएगा ना बिना।
जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। तो आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि अपना देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था और 1950 को संविधान लागू हुआ था और इंदौर में चालू हुआ था। तो सर्वप्रथम मैं बहुत ही बधाई देना चाहता हूँ यहाँ के स्कूल में पढ़ाने वाले गुरुजनों और बहनों की, क्योंकि इन्होंने इस बार माई जी का 100% रिजल्ट रखा है। तो हम जितने भी भामाशाह हैं, चाहे मोहल्लेवासी हैं, हम बच्चों की ओर से इनको इतना धन्यवाद देते हैं कि आप चाहे हमसे कुछ भी ले लो, लेकिन आने वाले समय के अंदर हमारे बारे में बच्चे और बच्चियों का नाम रोशन होना चाहिए। चाहे आप हमसे इतना भी बोझ सहन करो, हम बोझ सहन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन राज के उस माध्यमिक विद्यालय राठौड़ी कुआ नागौर का नाम रोशन होना चाहिए। जिस प्रकार से आज लोग चांद पर पहुंचे हैं, बच्चे भी जाते हैं, बच्चे भी जाती है, उसी प्रकार से आप जितना मेहनत है ये आप सब चीज खर्चोगे तो उसमें कम हो जाएगा, लेकिन विद्या एक ऐसी चीज है जिसको जितने खर्चोगे उतनी ही बढ़ेगी। मेरी हाथ जोड़ करके गुरुजनों और बहनों से निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके आप नाम रोशन करें और आपकी विद्या को आगे बढ़ाए। बाकी जितनी भी मैं आपकी महिमा करता हूँ कम है, क्योंकि आज जो स्कूल में 150 बच्चे थे वो आज स्टैंड 500 के बराबर पहुंच गई है और 100% रिजल्ट रहता है, तो इसकी महिमा करें उतनी भी कम है। ज़्यादा नहीं कह करके मैं ये और कहता हूँ कि जैसे बागड़े जी ने कहा था कि भाई खेरा जी हमारी व्यवस्था कराओ, तो हमने कहा साहब आप जो कहोगे हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन्होंने ये एक शॉर्ट शूट में कहा था कि कहानी का मोर ले, तो इसी प्रकार कहा था खेरा जी हम आपके बच्चों का भविष्य खराब नहीं होने देंगे। देखो कोरोना काल में भी इन्होंने एक्स्ट्रा पढ़ाई की थी, जब लॉकडाउन लगा था तो भी इन्होंने एक्स्ट्रा लिया, और आज भी इन्होंने बोला था कि जो लेक्चरार नहीं है तो उनकी हम व्यवस्था करके भी पढ़ाते हैं। तो जितनी महिमा करूँ कम है, लेकिन हमारा यही है कि आप हमसे चाहे कुछ भी करो लेकिन बच्चों को भविष्य की तरफ दे करके और इसका नाम रोशन करो, तो कि आने वाले में एक भी बच्चा आरएस और आईपीएस हो जाएगा तो हमारा जितना भी आप रहोगा हम आपके जिंदगी भर आभार रहेंगे सर, जिंदगी भर। चाहे कोई बिरादरी का बच्चा हो, सरकारें आती रहेगी जाती रहेगी, उससे फिर कुछ नहीं लेना है, जो आए उसे भी लेते रहो। एमएलए किसी पार्टी का हो, दो बीजेपी रह जाएंगे, दो कांग्रेस रह जाएंगे, उनसे काम कराते रहो, किसी से कमरा ले लो, किसी से रूम ले लो, किसी से कुछ ले लो। और एक बात मैं जितने भी आए मेहमानों से कहता हूँ कि जो कहते नहीं काल करे सो आज करे, आज करे सो आज, पलके पढ़ ले है कि बहुरी करोगे कब, ये समय है देने का, फिर बाद में बीती हुई चीज और खोया समय कभी नहीं मिलेगा। देना हो दे दो, जितना भी दो वो भी कम है। जैसे बल्कि जिनका था कि विराज की विद्यालय में दो चाहे अस्पताल में दो, जो देते हो वही कम है। तो इतने मेहमान आए हैं और अगर भी कण कण करते हैं तो भी घड़ा भरी जाता है और ये अपने बीच में है। और एक बात और है कि ये स्कूल है वो तीनों पार्षदों के बीच में है और तीनों ही पार्षद एक बिरादरी के हैं, ये नहीं कि भाई एक पार्षद दूसरी बिरादरी का है। ओम जी सांकला, नरेंद्र जी सांकला, मनीष जी कचा, और तीनों के घर में है। आप तन मन करके इसको उजागर करिए, हमको साथ लेकर चलिए, जितने साथ लेकर चलोगे इंजन अच्छा होगा तो गाड़ी आगे से आगे चलती रहेगी, ये मेरा नारा है। और एक बार और कहता हूँ कि जो मैंने दिया मैं एक बार और देता हूँ, 1000 रुपये नजर जो जितने भी बच्चे स्टेज पे सांस्कृतिक कार्यक्रम किए थे सबको पानी आना चाहिए थे, रुपये आ रहे थे 100 रुपये आ रहे थे 50 रुपये, मैं इतना ही कहकर के मेरे माणिक को विराम देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। जा रहे हैं। हेलो गाइस, हम बूंदी के लड्डू लाडू लेने जा रहे हैं। अब ये लड्डू लेने जा रहे हैं, ये बहुत राजी हो रहा है। देखो ओके, तो दी एंड हो चुका है। कैसी लगी है वीडियो मेरे को कमेंट करके बताओ और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो